चंपावत के सभी परीक्षा केंद्रों में प्रशासन द्वारा की गई कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच रविवार को पटवारी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू थी। सीओ ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस का पर्याप्त इंतजाम किया गया तथा जोनल मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। वहीं कई छात्र विरोध जताते हुए बांह में काली पट्टी बांधकर परीक्षा देने परीक्षा केंद्र में पहुंचे। हमारी भर्ती परीक्षा का पिछले मैं प्रश्न चिन्ह लगा था, इस वजह से वहाँ परीक्षा की जा रही है। इस परीक्षा के दौरान ना कोई गड़बड़ी ना हो, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होने है, जो हमारा प्रयास रखें और सेक्टर पुलिस अधिकारी अलग से नियुक्त किया है और पुलिस जोनल पुलिस अधिकारी अलग से नियुक्त किया है। एज ए इलेक्शन बोर्ड पर हम अपनी परीक्षा करते हैं जिससे कि कोई गड़बड़ी नहीं। सर अगर होगी नहीं पहले उनकी अपनी घटना की भावना होगी तो हम सर भी मिलेंगे, हम लगातार भ्रमण कर रहे हैं। एक तो हमारा कारण है कि जो लोग भाई लोग हमारे वहाँ बैठे हुए हैं एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, हमारी सिर्फ ये मांग थी कि हमारे सिर्फ सीबीआई जांच हो उसके बाद हम पेपर दें, फिर भी भाई लोग वहाँ बैठे हैं वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। एक तो उनके साथ के लिए है और जो सरकार की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है उसका हम विरोध करते हैं। बस इतना ही कहना, उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि हम आपके साथ हैं, मजबूरी बस हमारे घर की स्थिति ऐसी है कि हम लोगों ने पेपर देने आना ज़रूरी है। आप के साथ के लिए हम खाली पट्टी बात कह रहे हैं, आप लोग डटे रहिए, हम आपके साथ हैं। सर धांधली का तो मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन डर काफ़ी रहता है मुझे, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ दिल टूटता है। लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम देने में चंपावती आया था तो काफ़ी दिल टूटा था मेरा एग्ज़ाम देने के बाद। दूसरी रात की खबर थी कि एग्ज़ाम लीक हो गया करके, वो कभी मन करता है कि चलो पढ़ाई छोड़ दें दूसरे काम पर लग जाएँ, लेकिन नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। आज का एग्ज़ाम को लेकर तो मैं काफ़ी थोड़ा बढ़िया लेवल का था एग्ज़ाम आज भी, और चांसेस देखते हैं किस किस्म से कट ऑफ रहती है, और बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है। उम्र निकलती जा रही है और शादी की उम्र भी हो रही है होले होले, तो कहीं ना कहीं दूसरा फील्ड भी देखने की कोशिश कर रहे हैं।